सरहुल पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होकर चैत्र की पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। ये प्रकृति पर्व बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। सरहुल में आदिवासी समुदाय के लोग सखुआ के पेड़ की खास तौर पर पूजा करते हैं। इसकी कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी है। इसी के बाद से जनजातीय समुदाय के लोगों की आस्था इस पेड़ से जुड़ गई। आज पुलिस लाइन में सरहुल पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी समाज के लोग लाल पाड़ की साड़ी पहनकर सरहुल के गानों पर झूमते नजर आए। धनबाद के DSP यातायात राजेश कुमार और DSP हेडक्वार्टर अमर कुमार पांडे सरहुल के गानों और ढोलक के थाप पर थिरकते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव। मैं मनीषा मंडल, अभी मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन पे, जहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग सरहुल पर्व इतने धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी सखुआ के पेड़ की पूजा की जा रही है। आइए अभी हम उन्हीं लोग से जानेंगे कि इस पर्व को वो लोग कितने धूमधाम से मनाते हैं। और अभी यहाँ पे DSP सर भी मौजूद हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, सरहुल पर्व में जो सादा और लाल पाड़ की साड़ी क्यों पहनी जाती है? ये पहले आदिवासियों का जो शुद्धता ईमानदारी का जो था वो सादा था, लेकिन कुछ पुरुषों कुछ नए नए बुद्धिजीवी लोग आए, जैसे हमारे धर्मगुरु बंदंतिका जी और चमरालिंडा जी जैसे आए, तो इन्होंने सोचे कि ये ईमानदारी का जीवन कब तक जिएंगे। अगर कुछ अन्याय होता है तो अन्याय को झेलने का भी ताकत होना चाहिए, इसीलिए ये लाल पायर उसमें लगाया गया। सफ़ेद हुआ ईमानदारी का, सादगी का, और अगर कोई अन्याय करता है तो उसको अन्याय को नहीं सहेंगे, हम भी आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, इसलिए लाल लगाया गया। और इस पर्व को आप लोग कितने धूमधाम से मनाते हैं? इस पर्व को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये पतझड़ का मौसम था जब पृथ्वी पर हरा भरा नहीं था। और अभी क्या हुआ कि जैसे ही अब हिंदू वर्ष प्रारंभ हुआ तो ये हरियाली का पर्व होता है, हरियाली के रूप में ही त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। इसको मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक है, जल है तो जीवन है, और जल तभी संभव है जब प्राकृतिक हरा भरा रहेगा। और पेड़ पौधा का हमको बचा के रखना है, मकसद सरहुल पूजा का यही है। सरहुल का अर्थ होता है कि सरहुल फूल का समूह, और ये पौधा बहुत ही उपयोगी है, आपको पहले ही बता चुके हैं। और इनके ये सखुआ पेड़ को नेतृत्व के रूप में मना गया, और बाकी बात इसके पीछे पीछे है, जैसे नेता लोग होते हैं। मेरा नाम बिरसा मुंडा हुआ, SI के पद पर धनबाद जिला में पदस्थापित हूँ। सरहुल जो है प्रकृति प्रेम से जुड़ा हुआ पर्व है, और झारखंड की धरती जो है हरी भरी धरती है, और यहाँ के जो लोग हैं झारखंड के जो भी निवासी हैं उनमें एक सामूहिकता का भाव और प्रेम का भाव है, तो इस पर्व को बड़े ही सामूहिकता के साथ मनाया जाता है। और आज के समय में जबकि जल जंगल जमीन सिमटते जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, ऐसे में इस पर्व की महत्ता और भी बढ़ जाती है कि हम पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक हों और दूसरे को भी जागरूक करें। आज पुलिस परिवार की तरफ से पुलिस केंद्र में सरहुल का यह पर्व मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी पुलिस परिवार के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हम लोगों के द्वारा भी जो प्रकृति की पूजा अर्चना है वो की गई है, और पूरे जिले वासियों को धनबाद पुलिस की ओर से सरहुल पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ। पुलिस केंद्र धनबाद के इस प्रांगण में आज पूरे पुलिस परिवार, धनबाद वासियों, यहाँ की जनता, मीडिया कर्मियों के साथ सरहुल का त्यौहार मनाया जा रहा है। सरहुल का त्यौहार मानव जाति और प्रकृति के बीच का जो प्रेम है उसको दर्शाता है, प्रकृति के द्वारा मानव जीवन को किस प्रकार से प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप बहुत सारी संसाधने जो है वो उपहार स्वरूप प्राप्त हुई है, उन्हीं उपहारों के प्रति हम जो मानव जीवन हमारा है वो हम उसका आभार प्रकट करते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। इसी प्रकृति की पूजा को आज हम धनबाद पुलिस केंद्र में मना रहे हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी।
जैसा कि आप लोगों ने सुना, सरूल सकुआ के पेड़ को ही खास तौर से पूजा जाता है और आदिवासी के समुदाय के लोग प्रकृति को ही ध्यान में रखते हुए पूजते हैं। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, अभी मेरे पीछे इतने धूमधाम से मनाई जा रही है सरूल पर्व। और चलिए, ऐसे खबरों के लिए बने रहिए सिटी लाइव में। मैं मनीषा।